क्या करना जी, कट्टर कांग्रेस ही है। अच्छा। आप बोलते तो बीजेपी को दे देंगे। कांग्रेस के यहाँ पर बात गई, आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस। अच्छा, आप सब कांग्रेस ही हैं, आप भी कांग्रेस को ही वोट देंगे? नहीं, बीजेपी को। आप बीजेपी को देंगे? कांग्रेस ने काम नहीं करवाया, बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस ने पहले कुछ नहीं करवाया, बीजेपी फिर भी काम करा रही है, हमारे गाँव का तक करवा रही है। कभी कांग्रेस रहती जब भी यही हाल है, बीजेपी आई तब भी यही हाल है। जिस मर्जी को बीजेपी को वोट पड़ेगी। अच्छा, आप बीजेपी के उस पे देंगे, सिंबल पे देंगे, ये नहीं देखेंगे कि विधायक कौन है, किसको उम्मीदवार कट रहे हैं? कट रही है। और उसके बाद आप विधायक प्रदीप चौधरी दे रहे हैं, प्रदीप चौधरी के राज में तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मसला, मैं हूँ आरती जांगड़ा। इस वक्त मेरी मौजूदगी कालका विधानसभा क्षेत्र में है और फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे। एक बार कैमरा घूमेगा तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ये कालका का बड़ा ही एक बड़ा बाजार यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा खस्ता नज़र आ रही है। सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं और जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त हो गया है ये सड़कें यूं ही नज़र आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तरह तरह की दुकानें हैं आपको नज़र आएंगी, जनता है, शाम का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि दुकानों पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। अंकल जी, क्या नाम है आपका? खस्ता हालत है बड़ी बाजार की, तो पहले ये बता दीजिए कौन सा बाजार है ये कालका का? गांधी चौक रेलवे रोड। अच्छा, रेलवे रोड है ये। इसका तो बहुत देर से ऐसे ही हाल है इसका, कभी कांग्रेस रहते जब भी यही हाल है, बीजेपी आई तब भी यही हाल है। कांग्रेस के यहाँ पर चार बार विधायक तो चंद्रमोहन बिश्नोई रह चुके हैं, अब प्रदीप चौधरी एक बार रह चुके हैं, एक बार इनेलो की तरफ से रह चुके हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की विधायिका रह चुकी हैं, तो काम किस तरीके से हुए हैं? यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। वो रोड भी बनाया था एक साल पहले, रोड लगता है आपको, रोड एक साल पहले बना था। ये रोड तो पूरा यहाँ से मंदिर से लेके, कालका मंदिर से लेके पंजौर तक, पंजौर वो मल्ला मोड़ तक पूरे रोड का एक साल में खड्डे खड्डे हुए। तो अब की बार किसको जिताएंगे, किसकी किसको वोट देंगे? इस वजह तो देखना पड़ेगा, अभी वो तो टाइम बताएगा जी, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, आम आदमी आती है। तो किसी के बारे में तो सोचा होगा अंकल जी, आप किसको वोट देंगे, किसका माहौल लग रहा है? मेरा नाम सुंदर है, मैं बहुत सालों से इनको सबको जानता हूँ, जितने विधायक हैं सब लोग, ये लोग एक अपनी राजनीति के चक्कर में यहाँ काम करते हैं कालका को। अच्छा। कालका बैकवर्ड घोषित करते हैं, कोई भी सीएम हो, कोई भी सीएम हो, जैसे माननीय भजन लाल थे, उनके राज्य में ये कालका शहर पंजौर पचकुल्ला बिस्किट डेवलपमेंट हुआ था। तो जो है अब उसके बाद कई सरकार आती हैं, कई गई कई आई, मतलब भजनलाल के समय में काम हुआ यहाँ, काम हुआ, फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के समय में यहाँ पर काम हुआ, फिर इन्हीं लोगों के चक्कर में ये जो है, जो तुम्हारा रोड है ये देखो, इनको दिखाओ आप, ये जो रोड है, फिर उसके बाद सरकार बदल जाती हैं, अब बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल टोटल बीजेपी की सरकार है। विधायक कांग्रेस के, विधायक हमारे कांग्रेस के प्रदीप चौधरी जी हैं, जो प्रदीप चौधरी को आप अलग वो देते हैं क्या, ग्रांट देते हैं आप, तो काम कराएंगे, जब वो काम, जब आप ग्रांट ही नहीं पूरी देते हैं तो कहाँ से काम होगा वो। आप कह रहे भजनलाल के समय में काम हुआ है यहाँ पर, बहुत बड़ा काम। चंद्रमोहन तो उन्हीं के बेटे हैं। चंद्रमोहन जी उन्होंने अपना काम नहीं करवाया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपना उस टाइम था, फिर उन्होंने अपने वो छोड़ दिया था, कालका शहर भूल गए थे वो लोग कि भी कालका कहाँ है। अच्छा जी, ठीक है जी। बिल्कुल, देखिए आपका क्या नाम है अंकल जी? वरिंदर कुमार। क्या लगता है किसका माहौल है, किसकी सरकार बना रहे हैं आपकी बात? सरकार तो आने वाले टाइम ही बताएगा, टाइम तो आ चुका है, बीजेपी का चांस बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, कालका में किसको जिता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी, किसकी टक्कर ज्यादा लग रही है? आम तो कट्टर बीजेपी है, हमारे को मतलब नहीं किसी से, बीजेपी करवा रही है। हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी एक बार विधायक रही है यहाँ पे, काम करवाया उन्होंने? करवाया काम, पानी की पाइप पे बिछवाई है, कुछ काम हुआ काम तो, अब जो इधर अब जहाँ बना है उससे मुझे सारे, कोई सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं बनाया, हम स्कूटर लेके जाते हैं, कई बार दिखता नहीं हमारे को, स्कूटर गए हो जाता है, कभी चिमटा टूट गया, कुछ हो गया, अभी सड़क के सारे पूरे देखो कितने कितने खाले खड्डे बढ़े हैं, अब आज तक नहीं भरे गए। तो समस्याएं हैं काफ़ी? काफ़ी समस्या है, कालका पानी की समस्या है, ये कोई पूरी नहीं हुई आज तक, सरकार आती जाती रहती है। तो अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति रानी को टिकट दी है,
जिस मर्जी को बीजेपी को वोट पड़ेगी। अच्छा, आप बीजेपी के उस पे देंगे, सिंबल पे देंगे, ये नहीं देखेंगे कि विधायक कौन है, किसको उम्मीदवार कट रहे हैं? कट रही है, कट्टर बीजेपी है। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि कट्टर बीजेपी है और भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को ये वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा हरमीत सिंह नाम है जी। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ यहाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपके बार किसका माहौल लग रहा है, यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी, यहीं का आदि रहने वाले, हमारी जमीन जायदाद सब कुछ यहीं है जी। हम तो इस बार जी आजाद उम्मीदवार गोपाल भाई को सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा। क्योंकि हमने मैडम लतिका शर्मा जी का रात था, उस टाइम पे जो कार्य हुए थोड़े बहुत कार्य हुए और बाकी तो नामात्र ही कार्य हुए। अब इधर हम जाते हैं ऑटो लेके जाते हैं, माजरा पड़वा रोड इतना ज़्यादा टूटा पड़ा है ना कि लोगों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि कोई छोटे व्हीकल वाला तो गिर के ही मतलब कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। और उसके बाद अब विधायक प्रदीप चौधरी रहे या प्रदीप चौधरी के राज में तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि सरकार दूसरी तरह इसलिए करवा नहीं पाए वो काम। पार्टी फंड तो होता है ना, पार्टी फंड मिलता है इनको साल का कुछ करोड़ों के हिसाब से पार्टी फंड मिलता है, वो फंड कहाँ गया इनका जो इतने टाइम से। और इनके राज में तो मतलब कि दोनों पार्टियों के राज में, अब ऊपर सीएम भारतीय जनता पार्टी थी, यहाँ पे काल का पिंजौर में देखो काम की तो छोड़ो बात, नशा इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि नशे के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, मतलब कि कुछ नाम मात्र या गली गली में। तो आपकी बार आप निर्दलीय को देंगे वोट? हाँ, निर्दलीय गोपाल भाई के सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर निर्दलीय भी चुनाव में उतरे हैं। और अंकल जी, आपका क्या नाम है अंकल जी? बाबूराम है जी। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के आसपास के गांव का रहने वाला हूँ। कालका विधानसभा से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब की बार किसका माहौल लग रहा है? अब की बार तो जी दोनों का माहौल है, माहौल है। आप किसको दे रहे हैं वोट? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? हाँ जी। कांग्रेस ने काम नहीं करवाया, बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस ने पहले कुछ नहीं करवाया, बीजेपी फिर भी काम करा रही है, हमारे गांव का तो करवा रही है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? हमारा ग्वाही गांव है जी। अच्छा, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, पानी की सुविधा है, स्कूल की, बिजली की भी, स्कूल की भी है। थोड़ी सड़क की प्रॉब्लम है, खराब है थोड़ी सड़क, बाकी सड़क अभी नहीं बनी हुई है। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को देंगे? हाँ जी, हाँ जी। लतिका शर्मा की टिकट काट कर शक्ति रानी को उतारा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बिल्कुल, देखिए ये अब भारतीय जनता पार्टी के को ही उम्मीदवार जो हैं उनको वोट देंगे। और अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार बनती है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, लोग जो उम्मीदवार हैं सभी पार्टियों के वो मैदान में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल है। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कब से काम कर रहे हैं? हो गए काफ़ी साल, हो गए काफ़ी साल हो गए। तो क्या लगता है किसका माहौल है आपकी बार? गोपाल चौधरी का माहौल है। निर्दलीय? हाँ जी। तो बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, उनका काम सही नहीं लगा? नहीं जी, निर्दलीय को देंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर बड़ी देख रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं, प्रदीप चौधरी ने काम नहीं करवाया? नहीं करवाया जी, ये आपके सामने ही है। तो बिल्कुल, देखिए ये इनका कहना है कि यहाँ पर देख कईयों से बात की है तो वो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देना चाहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि कांग्रेस से भी नहीं काम करवाए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी काम नहीं करवाए हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करने के। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा दास। यहीं के रहने वाले हैं आप? कालका का। तो अब की बार क्या लगता है किसका माहौल दिख रहा है? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो किसको वोट देने जाएंगे फिर आपकी बार? तो कांग्रेस को जाती है जी वोट। अच्छा, कांग्रेस को ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का राज पिछले पाँच सालों से प्रदीप चौधरी हैं और सड़कें टूटी हुई हैं एकदम। अभी तो अभी काम नहीं हुआ कुछ, फिर भी कांग्रेस को देंगे? हैं, अब क्या करना जी, कट्टर कांग्रेस ही है। अच्छा। आप बोलते तो बीजेपी को दे देंगे? नहीं, आपका वोट है, आप देखिए आपको आपके क्षेत्र में जिसने काम करवाया। आपके पास ठीक है, यहाँ देखो हाल देखो, आपने आप ही देख रहे हो सड़कों का क्या हाल है। तो कट्टर कांग्रेस से इसीलिए वोट देंगे या फिर विकास को देख के वोट देंगे? नहीं जी, अब देखेंगे जी, हिसाब से देंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस से कट्टर कांग्रेस, बोलो हम बीजेपी को दे देंगे, उसमें क्या वोट देनी है? नहीं, आप तो विकास को देखिए ना कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है। विकास तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है सर? संदीप कुमार। तो क्या लगता है किसको वोट देंगे आप? देखा जाए तो विकास तो दोनों तरफ से ही नहीं हुआ यहाँ, तो ना तो बीजेपी के उसमें हुआ और ना ही कांग्रेस के उसमें। आपकी बार क्या मुकाबला किस में देखने को मिल रहा है मुकाबला? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कईयों ने निर्दलीय गोपाल की बात की। देखा जाए तो कांग्रेस
कांग्रेस के यहाँ पर बात की, आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस। अच्छा, आप सब कांग्रेस ही हैं, आप भी कांग्रेस को ही वोट देंगे? नहीं, बीजेपी को। आप बीजेपी को देंगे? ये कह रहे कांग्रेस के राज में काम तो नहीं हुए, लेकिन काम नहीं हुआ जी, कोई विकास नहीं हुआ, नदी एक तारा हमारा रोड है। कहते मैं बीजेपी के राज में जिस टाइम लतिका थी उस टाइम रोड का काम चला था, बिल्कुल ठीक ठाक था। अच्छा, लतिका ने काम करवाया? करवाया जी। तो लतिका की तो टिकट काट दी है, अब की बार शक्ति रानी को? शक्ति रानी को देंगे। अच्छा, मतलब भाजपा के सिंबल पर देंगे? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी तो काम करवा रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल देखिए, भाजपा के भी लोग मिले हैं यहाँ पर, कांग्रेस के भी समर्थन के जो लोग हैं वो मिले हैं, और भी लोग हैं यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद। यहीं के रहने वाले? कालका के? पिंजौर। पिंजौर के रहने वाले? तो कैसे काम देख रहे हैं, पार्टी ने करवाया, किसकी लहर लग रही है, किसकी सरकार आ रही है अब की बार? ये बात आप बेकार कर रहे हो। ये बात तो आप बेकार कर रहे हो। क्यों, आप वोट नहीं देंगे? ये बात तेरा पूछो छड्डो परे यार, तो किसी को तो वोट देंगे, फायदा हो रहा किसी को वोट देने का? अच्छा, जोर के हाल देखो जाके एक बार नालियों के। वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि काम हुआ है नहीं हुआ है, किसको वोट देंगे? मांगने आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, बस वोटिंग के टाइम है जो भी है, उसके बाद पीछे घूम ही जाओ, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। और भी लोग होंगे, उनसे भी ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से कालका से बता दें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को चुना है फिर से, हालांकि वो दो बार के विधायक रह चुके हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लतिका शर्मा की टिकट काटकर शक्ति रानी शर्मा को मैदान में उतारा है, हालांकि अब देखना होगा कि किसकी जीत होगी। और आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।